ओके, अब है चोखंडी सिटुबा। देखो भाई, ये चोखंडी सिटुबा न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको डिक्लेयर किया गया है साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। किसने डिक्लेयर किया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई ने। अब पहले हम जानेंगे चोखंडी सिटुबा के बारे में, फिर हम जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। अब आप ये भी याद रखो, ये चोखंडी सिटुबा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बुद्धा यहीं पे अपने डिसाइपल्स को मिला था। अब चोखंडी सिटुबा जो है वो एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है सरनाथ उत्तर प्रदेश में। एक लॉफ्टी ब्रिक स्ट्रक्चर, यार मेरे ब्रिक स्ट्रक्चर लिखा है, ये नहीं लिखा है कि ये रॉकी स्ट्रक्चर है। हाँ भाई, ब्रिक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ऑक्टागनल टावर है, आठ साइड वाला टावर है, ठीक है। ये जो ऑक्टागनल टावर है ये दिखा रहा है मुगल मोनोमेंट, मुगल मोनोमेंट दिखा रहा है। और ये बनाया गया था हुमायूं जब आया था इस जगह को विजिट करने, यहाँ पे लिखा भी है। ऑक्टागनल टावर जो टॉप पे है वो मुगल मोनोमेंट है जो कि बनाया गया 1588 में टू कमोरेट हुमायूं विजिट टू दिस पैलेस। और आप ये भी जानो, ये सिटुबा चोखंडी सिटुबा का इसका ओरिजिनली किसने बिल्ड किया था? एम्परर अशोक ने बिल्ड किया था। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं नहीं भाई, गुप्ता पीरियड के दरमियान इसको ओरिजिनली बिल्ड किया गया था। अब सरनाथ में ये चोखंडी सिटुबा है और सरनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की जगह। इसको बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, बुलाते हैं। ये जो सरनाथ है, पहले पहले इसको बोलते थे, अभी भी कुछ बोलते हैं कि ये मिरी गदावा है। मिरी गदावा मतलब मीनिंग डियर पार्क, या कुछ बोलते हैं इसी पताना है ये। इसी पताना का मतलब कि यहां पे ही होली मैन आए थे, अर्थ पे उन्होंने कदम रखा था, जैसे लॉर्ड बुद्धा भी। और आप जैनिज्म भी कुछ रिलेट करोगे इसके साथ, हम आगे देखेंगे। भाई ये साइट ऑफ बुद्धिज्म है सरनाथ, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने अपना सरमन, अपना लेक्चर उसने दिया था, जब उसको ज्ञान मिला, एनलाइटमेंट, उसने अपना पहला लेक्चर दिया था यही सरनाथ में। और उस पहले लेक्चर का नाम था धर्माचक्र परिवर्तन। अब याद रखना कि अब हमें पढ़ना है दमेक सुटुपा। ये जो दमेक सुटुपा है या दमा चक्रा सुटुपा, ये वो जगह है जहां पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना पहला सर्मन ऑफ दमा दिया। याद रखना, ये बनाया गया है 500 सी में और कंस्ट्रक्शन ऑर्डर किया है एम्परर अशोक ने 3rd century BC में, ठीक है ना। पहले ये 500 सी में बना, लेकिन कंस्ट्रक्शन एम्परर ने ये सॉरी 500 सी में ये बना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन किसने ऑर्डर किया था, किसने पहले बोला? 3rd century BC, ओके, बिफोर क्राइस्ट। अब यहाँ पे आपको जानना है मूलागंडा कुटी विराहा क्या होता है। ये वो प्लेस है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने, जहाँ पे वो रहा था, सॉरी, मूलागंडा कुटी विहारा में लॉर्ड बुद्धा रहा था जब उसने सरनाथ विजिट किया। बोधी ट्री क्या है, याद रखना, ये बोध गया का बोधी ट्री नहीं है, ये लोकेटेड है इसी मालागंडा कुतिवरिहा में ही, जो कि प्लांट किया गया था एक ब्रांच से श्रीलंका के बोध ट्री से लिया गया था। और कहां से? श्रीलंका में, अनुराधापुरा श्रीलंका। अब अशोका का पिलर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एम्बलम ऑफ द कंट्री इसी पे बेस है। अशोका पिलर क्या दिखाता है? दिखाता है विजिट ऑफ किंग अशोका टू सरनाथ, क्योंकि ये पिलर भी सरनाथ में ही है ना। हम पढ़ रहे हैं सरनाथ की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 50 मीटर लॉन्ग पिलर है ये, 4 लाइन है इसको टॉप में, और 4 एनिमल्स है इसके साथ, ठीक है ना। बुल लाइन एलिफेंट हॉर्स। और ये दिखा रहे हैं फेजेस ऑफ लॉर्ड बुद्धाज लाइफ। ये जो 4 है वो क्या दिखा रहे हैं? फेजेस ऑफ लॉर्ड बुद्धाज लाइफ, साइट ऑफ जैनिज्म। भाई ये जो आपको ये देख रहे हो बुद्धिज्म के बारे में सरनाथ, ये सरनाथ जैनिज्म के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th तीर्थंकर जो था, देखो सरनाथ इसका भी नाम ऐसे ही है, ठीक है, श्री यंसनाथ और सरनाथ। श्री यंसनाथ 13th तीर्थंकर आप जैनिज था,
और ये सरनाथ में ही इसका बर्थ प्लेस है। सेम ही नाम है 13th तीर्थंकर का सरनाथ और श्री अंसर नाथ। अब भाई प्लेन ऑफ स्टूपा, ये चौखंडी स्टूपा था आपके पहले ही टॉपिक पे, लेकिन ये सुटूपा क्या होता है? देखो भाई स्टूपा इस शक्ल का होता है, यहाँ पे देखो ना चार दरवाजे हैं, इसको इन दरवाजों को बोलते हैं तोराना। अब बाहर दीवार होता है डिजाइनिंग वाला, उसको बोलते हैं वेदिका। बीच में कुछ जगह होती है, उसको बोलते हैं मिदी। अब अंदर भी कुछ जगह होती है जो कि इसके इर्द गिर्द, आप कह सकते हो इसके इर्द गिर्द जो लोग जाते हैं, ठीक है ना, ओके, प्रार्थना वो मांगने मांगने, मतलब समझ आ रहा है आपको। अब उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथा, ओके, प्रदक्षिणा पथा, जहाँ पे पूजा करते हैं लोग, पूजा, प्रदक्षिणा पथा। और यहाँ पे इसको बोलते हैं अंधा, ये जो है अंधा इसको बोलते हैं। और ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ये जो ऊपर ये रेक्टेंगुलर आपको शेप यहाँ पे नजर आ रही है उसको बोलते हैं हार्मिका। और लास्ट पे जो ऊपर ऐसे है खड़ा उसको बोलते हैं चात्रा, ओके, या छत्रा, छत्रा छत्रा, ओके। अब ये था प्लान ऑफ स्टूप। इतने ही नहीं, हमें आगे ये स्टूप भी देखने हैं, जैसे कि सांची स्टूप, बारहत स्टूप, फिर इसके बाद अमरावती स्टूप, मतलब स्टूपा का आपको थोड़ा सा आइडिया मिला, ठीक है, ओके। उसके बाद हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि इसी ने तो बोला ये चौखंडी स्टूपा अब साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो ये ASI मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस और प्रोटेक्शन करता है ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन, ठीक है ना, ओके, यही देख ख्याल रखता है इसका। ये रेगुलेट करता है सारे आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज कंट्री में, और किसके एक्ट के हिसाब से ये रेगुलेट ये काम करता है, कोई एक्ट तो होना चाहिए, उसी के हिसाब से चलना है। एनिशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स AMASR एक्ट 1958 का, ओके। हाँ भाई, ये जो ASI है वो रेगुलेट करता है एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 भी, उसका उसके हिसाब से भी ये चलता है। अब इसको बनाया गया था 1861 में, किसको, ASI को, किसने बनाया, अलेक्जेंडर कनिंगहैम ने बनाया, जो कि इसी ASI का पहला डायरेक्टर जनरल बना। अब हमें यहां तक तो आपको समझ में आ गया है, अब हमें इसके बाद जानना है नेशनल इंपॉर्टेंस। चौखंडी स्टूपा को नेशनल इंपॉर्टेंस करार दिया गया, ये जो आपने ऊपर एक्ट देखा, ये एक्ट जो है उसके सेक्शन 4 बोलता है एंशिएंट मोनूमेंट्स या आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल या आर्टिस्टिक इंटरेस्ट की होगी और जो 100 साल से ज्यादा रही होगी, कोई भी एंशिएंट मोनूमेंट या आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि 100 साल से ज्यादा रही होगी उसको ASI डिक्लेयर कर सकता है, मे बी लिखा है, कर सकता है, मे बी लिखा है, एज डिक्लेयर ASI क्या डिक्लेयर कर सकता है, एज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ओके। और ये ASI का और भी काम है, ये प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस इन मॉन्यूमेंट्स का करता है, याद रखना इसका केयर वेयर सारा कुछ ASI देखता है। इसका स्ट्रक्चरल रिपेयर, केमिकल प्रिजर्वेशन, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट अराउंड द मॉन्यूमेंट, ये सारा देखता है ASI, जो कि चल रहा हो या ऑनगोइंग, जो कि रेगुलर हो या ऑनगोइंग प्रोसेस हो। देखो ना, यहाँ पे आपके दिमाग में होगा एनवायरमेंटल डेवलपमेंट अराउंड, मतलब कि अगर कोई फॉर एग्जांपल उसके इस जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट्स, उन साइट्स के इर्द गिर्द अगर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री होगी तो एसिड रेड हो सकता है, इस बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो समझ में आ रहा है आपको, तो पोल्यूशन वोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए उस जगह पे। भाई आपको याद रखना है कुछ और स्टूपाज, ये जो आपने स्टूपा देखा कुछ और, जैसे कि सांची स्टूपा, ये भी एक ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है इंडिया में। अब याद रखना सांची स्टूपा, पहले आप ये याद रखो ये भी एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ही है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये याद ये रखो कि ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे शायद नहीं लिखा है लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, MP में है ये, भोपाल MP में सांची स्टूपा, और ये भी एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, बिल्कुल सही है। और याद रखना ये भोपाल में बहुत सारे स्टूपा है, लेकिन सांची स्टूपा भोपाल के सेंटर में है, ये भी याद रखना। तीन बातें याद रखना, भोपाल के सेंटर में सांची स्टूपा भी एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, और बस ये तो बोला मैंने, और क्या बोला। अच्छा, ये ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है इंडिया का, और ये भी याद रखना, ये रॉकी स्ट्रक्चर है, शायद लिखा होगा यहाँ पे, ये एक ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है इंडिया का, ठीक है, जो एम्परर अशोक के थ्रू बनाया गया 3rd century BC में। अब ये बिलीव किया गया है कि हाँ भाई शंगा एम्परर, जो पुष्यमित्र शंगा है, उसके टाइम के दौरान इसको खत्म किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, वेंडलाइज, मगर उसका बेटा
अग्निमित्र शुंगा, साना पुष्पमिता, फिर से ये बनाया गया। ठीक है, अच्छा हाँ ये भी याद रखना, सातवां ना पीरियड्स में गेटवेज और जो बलस्ट्रेड है उसको डिजाइन किया गया बिटवीन द रेलिंग्स। ओके, बहुत ही ज्यादा अच्छी डेकोरेशन दे दी गई सातवानास पीरियड में। जो गेटवेज है उनको कवर किया गया विद नैरेटिव स्ट्रक्चर्स। नैरेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे फिगर्स जो आपको कोई ना कोई स्टोरी बताएंगे, कोई ना कोई स्टोरी बताएंगे, वो वैसी फिगर्स नैरेटिव, कोई ऐसी पिक्चर्स जो आप पूरी स्टोरी को नैरेट करेंगे। ठीक है, अच्छा फिगर जो है लॉर्ड बुद्धा का वो कार्व किया गया इन्हीं स्ट्रक्चर्स में, एज कॉनोपी अंडर द बोर्ड ट्री एट द पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट के पॉइंट पे जो बोर्ड ट्री की बातें हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स में बताया गया। हाँ पहले ये हुआ, स्ट्रक्चर दिखाया, पहले किसी से मिला, फिर बोला, फिर लेक्चर दिया, फिर वो चले गए और लोगों को बोला, इस ये स्ट्रक्चर में कहानी दिखाना। ओके, वेरियस इवेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा वेर कार्वड, ओके ये तो पता है भाई मेरे। देखो सांची स्टूपा याद रखना, फोर ब्यूटीफुली कार्वड गेटवेज है या टोरानास, टोरानास है ना गेटवे, जो कि दिखा रहे हैं बहुत सारे इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ और जटाकास। जटाकास मतलब बुद्धाज के लाइफ के कहानियां, कहानियां बुद्धिज्म की शॉर्ट में। अब ये भी याद रखना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सांची स्टूपा 1989 में लिस्ट किया गया एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद बारहूत स्टूपा, देखो बारहूत स्टूपा भी एमपी में ही है, बारहूत स्टूपा भी ये बुद्धिस्ट साइट ही है। ये स्टूपा है बिटवीन अलाहाबाद एंड जबलापुर, ये भी एमपी में ही है और ये ईस्टर्न नागौर स्टेट ऑफ एमपी में है। ठीक है, ये तो ठीक है लिखा है यहाँ पे। ये बनाया गया था अराउंड 150 बीसी ड्यूरिंग शुंगा पीरियड, याद रखना। ये रेड स्टोन का है, ये रेड स्टोन का ऊपर जो था वो भी रॉकी ही स्ट्रक्चर था। ये जो साइट है डिस्कवर किया किसने, सर अलेक्जेंडर कनिंगहैम ने 1873 में। कुछ नैरेटिव जो मैंने अभी बोला था स्ट्रक्चर्स, कहानियां शक्ल की अंदाज में, कुछ नैरेटिव रिलीफ्स एट बरहूत जो ये जगह है शो कि कैसा आर्टिजन्स थे जो कि पिक्टोरियल इमेज को, जो कि इमेज लैंग्वेज को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे थे स्टोरीज बताने के लिए। जैसे कि फोल्डेड हैंडेड नैरेटिव्स हैं जिसमें कि सिंगल फिगर्स हैं याक्षास के और याक्षिनीज के, उनके फ्लैट क्लिंगिंग्स है टू द चेस्ट, हाथ रखें चेस्ट पे फोल्ड करके, जो कि दिखा रहा है फिगर्स ऑफ, सिंगल फिगर्स ऑफ याक्षास और याक्षिनीज। इतना ही नहीं, कार्वड पैनल्स जो डिपिक्ट करता है बुद्धिस्ट का नैरेटिव सच एज ड्रीम ऑफ माया, जो माया ने ड्रीम देखा था एलिफेंट का, सेलिस्टल सेलिब्रेटिंग बुद्धाज एनलाइनमेंट, जब बुद्धा को ज्ञान मिला था तो जो भगवान है बहुत सारे वो सेलिब्रेट कर रहे थे। भाई ये एक तरह का शक्ल है, ये सच है या नहीं है पता नहीं मुझे। अब उसके बाद ये याद रखना कि वर्शिप आप बुद्धा थ्रोन जो है वो भी यहां पे लिखा है और बोर्ड ट्री। ठीक है, अब वर्शिप ऑफ बुद्धा थ्रोन किस तरह होगा, बोधि ट्री। देखो ये कहानियां सच थी या नहीं थी, इनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, याद रखना। कोई भी कहानी उठा के जटा का बोल देता था, ये याद रखना, इनकी अथेंटिसिटी नहीं है बुद्धिस्ट स्कल्पचर के अंदर भी। जो ये जटाकास है, कहानियां हैं, याद रखना, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के अंदर भी इनकी अथेंटिसिटी नहीं है, कोई भी कहानी बोल सकता है। ओके, अब कहाँ गया, कहाँ पहुँचा। हाँ भाई, ये सारी चीज़ें, ये कहानियाँ बोलती हैं एलिफेंट पेइंग होमेज टू द बुद्धा थ्रोन एंड ऑल्सो जटाका स्टोरी। जटाका स्टोरी मतलब बुद्धिज्म के बहुत सारी कहानियाँ जो कि लाखों में कहानियाँ हैं उनकी। अब अमरावती सुतुबा, देखो भाई ये भी एक फेमस स्पेसमैन है बुद्धिस्टिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ही, एंशंट इंडिया का। ये लोकेट है अमरावती आंध्र प्रदेश में। ये स्टूपा बनाया गया 3rd century BC में, ठीक है ना, और ये इम्पोर्टेंट मोनास्टिक सेंटर था 14th century AD तक। अब जिसने इसको डिस्कवर किया वो कौन था, ऊपर आपको पता है कनिंगहैम लिखा था ना, अब नीचे जिसने ये इसको डिस्कवर किया वो कौन है, कॉलिन मैकेंजी 1797 में। ओके, अब ये स्टूपा जो है वो पहले सिंपल स्ट्रक्चर का था, लाइमस्टोन क्रॉस बार्स और सिंपल क्रैविंग्स थी पहले, याद रखना, मगर उसको बाद में सातवाना रूलर्स ने अच्छी तरह से संभाला सजाया। ठीक है, ओके, सुतुपा जो है वो ब्रिक का है,
सर्कुलर वेदिका विद ब्रिक्स है मगर सर्कुलर वेदिका, और यह डिपिक्ट करता है लॉर्ड बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म सबड्यूइंग एन एलिफेंट, एलिफेंट को हरा रहा है ये लॉर्ड बुद्धा। ओके, इट इज एडॉर्नड विद 95 फीट हाई प्लेटफॉर्म प्रोटोटिंग इन फोर कार्डिनल, हाँ भाई ये 95 फीट हाई प्लेटफॉर्म है और इसके चार कार्डिनल डायरेक्शंस में ये दिखाया जाता है। अब यहाँ पे याद रखना बैराज स्टूपा इन राजस्थान भी है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मौर्यन सर्कुलर स्टूपा श्राइन है जो अशोका ने बनाया, ये लाइम प्लास्टर्ड पैनल ऑफ ब्रिक वर्क, जैसे कि ब्रिक्स गोल में ब्रिक्स लगाए जाते हैं और इन ब्रिक्स जो है ये सर्कुलर, याद रखना सर्कुलर लिखा ना, ये जो ब्रिक्स है इनको इनके ऊपर लाइम प्लास्टर है, ठीक है सही है। अल्टरनेट विद 26 ऑक्टागनल प्लेयर्स, ओके 26 ऑक्टागनल प्लेयर्स ऑफ वुड पे था, अब वो वुड नहीं रहे क्योंकि ये खत्म हुए हैं रूइंस में हैं। प्रीसीडेड बाय मोनास्टिक रिमेन्स विद अ डबल रो, याद रखना ऑफ सेल्स, डबल रो ऑफ सेल्स अरेंज्ड अराउंड एन ओपन स्क्वायर कोर्टयार्ड, डबल रो ऑफ सेल्स ओपन स्क्वायर कोर्टयार्ड के इर्द गिर्द ये अरेंज्ड है। ओके देखना ये भाई, ये भारत या एंशंट विराटनगर जो है जगह, कैपिटल ऑफ मत्स्यदेशी जो है मत्स्यदेशी, ये बोला गया है कि ये इसको फाउंड किया किंग विराट ने, जिसकी किंगडम में 5 पांडवाज ने 13 ईयर ऑफ एक्साइल इन डिस्ग्यूज स्पेंड किए थे। अब ये प्लेस यहाँ तक हम पढ़ गए, ठीक है, अब ये प्लेस है वो वेल नोन है फॉर 2 अशोकन इनस्क्रिप्शंस, याद रखना 2 अशोकन इनस्क्रिप्शंस, ये प्लेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट एंशियंट बुद्धिस्ट रिलिक्स आर फाउंड हियर, ठीक है। उसके बाद देवनी मोरी सुतुपा गुजरात में, ये कहाँ पे लोकेट है, रिवर ऑन द फ्रिल्स ऑफ, कहाँ पे, रिवर मिसोवा जो कि कौन सी जगह पे है, श्याम लाजा की जगह पे है। ये जो मैमोथ स्ट्रक्चर है, ये जो मैमोथ साइट है, ये बोस्ट्स ऑफ सेवरल विराहस, इसमें बहुत सारे विराहस है, स्तोपाज है, स्मॉल केव्स है और चेटियाज है, मतलब ये बहुत ही बड़ा साइट है, मैमोथ साइट। उसके बाद इसका नाम रखो आंध्र प्रदेश में कौन सा साइट है, स्टूपा है आंध्र प्रदेश में, वो है जगाया पिटा बाटीप्रोलू नागार्जुनकोंडा गोली, ये स्टूपा आंध्र प्रदेश में है, बस ठीक है।